हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आज 21 फरवरी 2023 को विषय गणित क्लास 10th का पेपर आप देकर के आए होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप पूरा पेपर अच्छे से फोड़ करके आए होंगे। देखिए, आपका पेपर आ चुका है बच्चों। ये 822 EB इसका संकेतांक है। क्लास 10th मैथ्स यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जो आज 21 फरवरी को कंडक्ट हुआ है। प्यारे बच्चों, इसका संपूर्ण देखिए, वैसे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छे से आए होंगे जाकर के, बस मैं सिर्फ इसकी मैचिंग करवा दे रहा हूँ आपसे। तो आप देखिए और जो आपके एग्जैक्ट आंसर हैं उनको आप मैच कर लीजिए। इसका संपूर्ण हल आपको मिल रहा है, साथ में ही पेपर का जो PDF है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका। स्टार्टिंग से क्वेश्चन हम लोग खंड आ सेक्शन ए लेकर चलते हैं, जो आपके MCQs आए हुए हैं, जो आपके 20 MCQs इस साल से आने वाले हैं बच्चों। उसमें देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन भी स्क्रीन पर दिखता रहेगा प्यारे बच्चों। दिया हुआ है कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो प्यारे बच्चों, जो आपके को प्राइम इंटीजर्स हैं, ये पेयर हैं, उनमें ध्यान रखिए वो ऐसे होते हैं कि जिन दो नंबर का, अगर कोई नंबर मैंने ए और बी ले रखा बच्चों, तो इनका अगर HCF लिया जाए, क्या लिया जाए, HCF लिया जाए, तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उनको बोलते हैं सह अभाज्य युग्म। तो प्यारे बच्चों, विकल्प नंबर इसका ए सही है, इसका विकल्प ए सही है। इसमें 18.25 दिया गया है, तो 18.25 में कोई भी संख्या का डिवाइड नहीं होगा सिवाय एक के, तो इसका HCF कितना आएगा बच्चों, एक। तो इसका विकल्प नंबर ए सही, कौन सा है विकल्प नंबर इसका, ए सही है। प्यारे बच्चों, पूछा गया 144 के अभाज्य गुणनखंडों में इनकी घातों की, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको इसमें करना है, उसकी घातों का योग बताना है। आइए देखते हैं बच्चों इसको। क्वेश्चन आपका 144, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये 144 देखते हैं बच्चों इसको। तो प्यारे बच्चों देखिए, 144 को अगर फैक्टराइज करें, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग किस प्रकार से करेंगे फैक्टराइज का। देखिए, 2 से करेंगे कितना जाएगा, ये 72 टाइम जाएगा, फिर ये 36 टाइम जाएगा, फिर ये 18 टाइम जाएगा, फिर ये 9 टाइम जाएगा, फिर ये 9, और ये फिर 3 बन जाती है। देखते हैं इसका जरा प्राइम कितना हो गया। 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर कितना हो गया 4, और 3 की पावर क्या हो गया 2। और दोनों बेटा कैसे हैं, ये प्राइम है, कैसे अभाज्य हैं। इनकी घातों का योग पूछा गया, तो घात इसकी 4 है, इसकी कितनी है 2 है, तो जो घातों का योग बच्चों आ जाएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। इसका विकल्प नंबर आपका बी सही होगा, कौन सा होगा बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी सही होगा प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, एम के किस मान के लिए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। देखिए, समीकरण आपको बच्चों दिया गया इस जगह पर, एक्स माइनस का 2y, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों ये, एक्स माइनस का 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, और दिया गया है 3x प्लस का एम वाई माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले रैखिक समीकरण जो आपका है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 से इसका कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है बच्चों, a1 अपॉन a2 क्या होता है, देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स नॉट b1 अपॉन b2, गलती नहीं करेंगे बच्चों। तो a1 की वैल्यू देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1/3 डजंट इक्वल्स टू b1 कितना बच्चों माइनस का 2 अपॉन b2 कितना है m। तो बच्चों यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये m इज इक्वल नॉट आएगा बच्चों -6, m इज इक्वल नॉट -6। इसका विकल्प नंबर बच्चों c सही हो जाएगा, कौन सही हो जाएगा विकल्प नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर बच्चों यहाँ पर c सही हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू माइनस का 6 आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बच्चों इसको। तो अब देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका 4, देखिए क्या हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन आपका बच्चों आया हुआ है यहाँ पर, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18 दिया गया है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18 दिया गया है, और x माइनस 2y इक्वल्स टू दिया गया है 2। तो प्यारे बच्चों इसमें पूछा गया इसका हल होगा, तो आप चाहें तो इसको बाई ऑप्शन भी क्लिक कर सकते थे, अदरवाइज बच्चों क्या इसमें देखिए सॉल्व कर लें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो देखिए ऊपर कितना हो जाएगा ये, और 2x हो जाएगा प्लस का 3y इज इक्वल्स टू कितना 18, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 2x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू कितना 4। सॉल्व करेंगे घटाने पर, ये इसका साइन चेंज कर देंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा बच्चों, और ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बच्चों 2 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 2। जैसे y की वैल्यू आप किसी एक में रखेंगे इक्वेशन में जाकर के, तो x की वैल्यू बच्चों क्या मिल जाएगी आपको 6 मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी 6। तो इसका विकल्प बच्चों कौन सा हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 2, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं k के किस मान के लिए, देखिए फिर समीकरण बच्चों आ चुका है आपको, देखिए ध्यान से बोर्ड पर, एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू कितना, यानी -1 इज इक्वल टू 0। आगे दिखाओ बच्चों, के एक्स प्लस वाई माइनस का के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों अनेक हल, फिर आप इसका कंपेयर करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, क्या होता है परिमित रूप से अनेक हल की कहानी क्या होती है। तो बच्चों ध्यान रखिए, यहाँ पर होता है a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ए वन कितना देखिए 1 अपॉन के इज इक्वल टू बी वन कितना है के अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना बच्चों माइनस का 1 अपॉन माइनस का के स्क्वायर। तो किन्हीं भी दो को सॉल्व कर लें, आप इन दो को देखिए सॉल्व कर लीजिए पहले। तो क्या जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1, क्या आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस 1। ओके बच्चों, तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा प्लस माइनस 1, यानी कि इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों बी विकल्प इसका सही हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन बच्चों 6 आया हुआ है। इक्वेशन आपको दिया गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 1 बाई 7। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका हम लोग ऐसे इस प्रकार से, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों ये 9 हो जाएगा, तो एक्स क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3, विकल्प नंबर बच्चों इसका सी, क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर सी, सी फॉर चेन्नई एक्सप्रेस सही हो जाएगा बच्चों। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछा गया है, व्यास ए बी यानी कि एक सर्कल बच्चों आपका दिया गया इस प्रकार। देखिए बच्चों सर्कल एक बनाया गया आपका ये, और इसमें आपका सेंटर होगा इस प्रकार से ये, और व्यास मान लीजिए आपका ये डायमीटर इसका क्या है बच्चों ये ए बी है बच्चों, क्या है बच्चों ए बी। तो बच्चों यानी कि इसमें सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 कॉमा, सेंटर मान लीजिए बच्चों ओ मान लेते हैं, तो 2 कॉमा माइनस का 3 दिया गया है, और बच्चों बी का निर्देशांक आपको 1 कॉमा 4 दिया गया है। तो आपसे ए का पूछा गया, तो ए को बच्चों मान लेते हैं हम लोग एक्स कॉमा वाई, क्या मान लेते हैं बच्चों एक्स कॉमा वाई, चूंकि जो सेंटर होता है वो डायमीटर यानी व्यास का मिड पॉइंट होता है, तो यहाँ पर लगाएंगे मध्य बिंदु, क्या लगाएंगे बच्चों मध्य बिंदु लगा देंगे। तो मध्य बिंदु के लिए क्या होता है देखिए बच्चों एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एक्स वन प्लस एक्स टू बटे दो, क्या होता है बच्चों एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बटे दो। तो बच्चों ध्यान दीजिए एक्स क्या इस समय आपका ये, यहाँ पर बच्चों आप एक्स वन मान लीजिए इसको वाई वन मान लीजिए, तो एक्स क्या हो जाएगा टू इज इक्वल टू एक्स वन कितना बच्चों देखिए एक्स वन आपका एक्स वन हो जाएगा, और एक्स टू क्या हो जाएगा बच्चों ये वन बाई टू। तो बच्चों एक्स वन कितना आ जाएगा बच्चों थ्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों क्या लगा देंगे y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू बटे दो। तो बच्चों y कितना यहाँ पर देखिए माइनस का थ्री, y1 क्या आपका y1 हो जाएगा, और y2 कितना बच्चों आपका फोर दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए y1 कितना आ जाएगा माइनस का टेन आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों माइनस का टेन। तो इसका जो विकल्प बच्चों सही होगा थ्री कॉमा माइनस टेन, क्या आ जाएगा ए का जो कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों वो आएगा थ्री कॉमा माइनस टेन। इसका जो विकल्प बच्चों सही हो जाएगा वो विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा, कौन सा विकल्प बच्चों डी थ्री कॉमा माइनस टेन, एक्स की वैल्यू थ्री और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टेन। बच्चों आगे क्वेश्चन दिया गया 8 नंबर देखा जाएगा ध्यान से, तो ये द्विघात समीकरण का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है, द्विघात समीकरण के मूल बराबर तो के की वैल्यू निकालनी है। बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस के इज इक्वल टू जीरो, इसके मूल समान है। तो बच्चों मूल समान होने के लिए क्या होता है जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है व्यक्त कर उसको क्या करते हैं जीरो के इक्वल कर देते हैं, और यहाँ से देखिए बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म है व्यापक रूप है उससे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू को निकाल लेंगे। और ये क्या होता है बच्चों व्यक्त कर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर जीरो, किस कंडीशन में जब मूल कैसे हैं समान है, मूल कैसे हैं बराबर हैं, बी स्क्वायर यानी कितना बच्चों माइनस 12 का होल स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू ए कितना बच्चों 3 और सी कितना बच्चों यहाँ पर के इजक्वस टू क्या जीरो, तो माइनस का 12 के इजक्वस टू कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 144, तो के इजक्वस टू क्या आ जाएगा बच्चों 12, कितना आ जाएगा के की वैल्यू आ जाएगी 12, और विकल्प नंबर इसका ए सही बच्चों, विकल्प नंबर इसका ए सही है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 9 आप देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 ही पूछा गया बच्चों कि दो आकृतियाँ जिनके आकार यानी कि साइज समान हो परंतु उनका जो शेप है आवश्यक रूप से समान ना हो, प्यारे बच्चों ऐसी आकृतियों को बोलते हैं समरूप आकृतियाँ, क्या बोलते हैं बच्चों समरूप आकृतियाँ बोलते हैं। समरूप आकृतियों में क्या होता है बच्चों इसमें जो इनके रूप होते हैं वो एक जैसे होते हैं लेकिन आकार इनके भिन्न भिन्न होते हैं, इसको बोलते हैं समरूप आकृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आया हुआ है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 में उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो बच्चों ध्यान रखिए कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर एरियाज को डिफाइन कर दें, क्वेश्चन नंबर बच्चों चल रहा है 10, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो उनकी संगत भुजाओं के S1 S2 के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें अनुपात क्या दिया गया 3:5 दिया गया है, तो इसका आप बच्चों आराम से स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों देखिए 9/25 आ जाएगा, और 9/25 का मतलब है 9:25 9:25 आ जाएगा। विकल्प नंबर बच्चों दसवें का ए सही हो जाएगा, जिन बच्चों ने ए किया उनको नंबर मिल जाएंगे। फिर बच्चों लिखा एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5, तो बच्चों 3:5 अगर भुजाएं दी गई हैं तो बच्चों ध्यान दीजिए 3:5 इस कंडीशन बन सकती है। देखिए आपका अगर ये आप इसको ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर ये 4, तो यहां पर अगर 90° का है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से कितना आ जाएगा 5, क्या है बच्चों पाइथागोरस के प्रमेय कर्ण वर्ग यानी समकोण के सामने वाली भुजा का जो वर्ग है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो इसका विकल्प बच्चों होगा समकोण त्रिभुज। ये कैसा ट्रायंगल है बच्चों ये समकोण त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करता है, उस रूल को फॉलो करता है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया, बच्चे से गलती हुई होगी इस बार पेपर में। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप दिए गए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया। तो बच्चों इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, यहाँ समझ लीजिए समरूप त्रिभुजों के जो पैरामीटर्स हैं जो उनके परिमापों का अनुपात होता है वो बच्चे उनके साइड के एग्जैक्ट अनुपात के बराबर
बराबर हो जाता है, यानी जो परिमापों का अनुपात वही साइड का अनुपात हो जाएगा। तो बच्चों परिमापों का अनुपात दिया गया, यानी कितना दिया गया, देखिए आप यहाँ पर 10/15 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा साइड 1/साइड 2, काट देंगे इसको 5 2 10 5 2 15। तो बच्चों यहाँ देखिए S1/S2 आपका कितना आया 2/3, बच्चे यहाँ पर 2/3 गलती नहीं करेंगे, इसमें क्षेत्रफल पूछा गया तो फिर से क्या लगाएंगे हम लोग, देखिए ये यानी क्या होता है कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है तो क्या होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनका स्क्वायर कर देंगे रेशियो का, तो 2/3 का कर देंगे बच्चों होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 4/9 जिसको आप लोग कहेंगे 4:9। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 का जो विकल्प होगा वो विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा 4:9 का। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 इसमें आया हुआ, देखिए ध्यान से बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 टेन थीटा की वैल्यू देगी 8/15, कितनी देगी 8/15, तो कॉस थीटा पूछा गया, तो बच्चों ध्यान दीजिए टेन थीटा इसको तो क्या दिया गया 8/15 दिया गया। अब टेन थीटा क्या याद है, याद करिए, याद नहीं आ रहा, लाल बटे कक्का याद आया ना, तो क्या है टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है बच्चों लंब बटे आधार नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे कर्ण, तो कर्ण बच्चों कितना आ जाएगा, देखिए वर्ग मूल के अंदर क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर यानी 289 बन जाएगा बच्चों, और 289 कितने का है 17 का है। पूछा क्या गया बच्चों कॉसेक थीटा पूछा गया, क्या पूछा गया कॉसेक थीटा, तो क्या होता है बच्चों ये कर्ण बटे लंब, क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 17, लंब बच्चों कितना 8, तो इसका विकल्प कौन सा होगा बच्चों इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, 13 नंबर का विकल्प नंबर ए 17/8 सही हो जाएगा। क्वेश्चन के बाद में पढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 ट्रिग्नोमेट्री का, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों 14 नंबर बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये देखिए क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर आपके, ये दिया हुआ है इफ 2 cos 3 थीटा, इफ 2 cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर आप यहाँ देखें तो कॉस 3 थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2, और कॉस में 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों, वेरी गुड आपने सही कहा कॉस 60 डिग्री का, कितने का होता है कॉस 60 का 1/2, साइन 30 का 1/2, तो प्यारे बच्चों कंपेयर कर देंगे इसको तो कितना मिल जाएगा 3 थीटा इक्वल्स टू कितना 60 डिग्री, सो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20 डिग्री। जिन बच्चों ने 20 डिग्री किया हुआ उनको नंबर मिल जाएंगे पूरे में पूरे। विकल्प इसका कौन सही हुआ, सी विकल्प सही हुआ, कौन सा हुआ 14th नंबर का सी विकल्प सही है, इसके कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों इसका 20 डिग्री 20 डिग्री सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखते हैं बच्चों, दो वृत्तों की सर्कमफ्रेंस का रेशियो दिया गया, परिधियों का अनुपात दिया गया, तो बच्चों देखिए ध्यान से C1/C2 यानी कितना दिया गया 3/2 बच्चों दिया गया है। C1 का मतलब है वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस, तो बच्चों C1 का मतलब क्या हो गया, देखिए ध्यान से गंभीरता से, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2πr1/2 इज इक्वल्स टू क्या बच्चों 3/2, ये इसको कट कर देंगे बच्चों, तो r1/r2 क्या मिल गया 3/2। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया बच्चों, तो देखिए सर्कल के एरिया क्या होते हैं a1/a2, तो प्यारे बच्चों क्या होता है देखिए पाई r1² और अपॉन में क्या हो जाएगा पाई r2, इसका दिया बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो r1/r2 कितना 3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे बच्चों कितना आ जाएगा 9/4 यानी कि 9:4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका विकल्प सही हो जाएगा वो डी नंबर सही हो जाएगा, कौन सा डी नंबर 9/4 हो जाएगा। देख क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आया हुआ है, एक समान त्रिज्या स्मॉल r के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ दिया गया। प्यारे बच्चों बच्चों ध्यान दीजिए इसको समझने की कोशिश करिए, दो अर्धगोले की बात चल रही है इस प्रकार से, जिनको इस प्रकार से दिख दी मारे, इसको डिवाइड कर दें यहाँ से, तो इस प्रकार से इनको जोड़ दिया गया है, एक ये मान लीजिए फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये, दोनों को जोड़ने के बाद में बच्चों इसकी रेडियस क्या बच्चों स्मॉल आ रहा है, क्या बच्चों स्मॉल आ रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद में क्या हो जाएगा एक संपूर्ण गोला बन जाएगा, क्या बन जाएगा संपूर्ण गोला, इस बने नए ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बच्चों गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सेम होता, क्या होता बच्चों 4πr², क्या होता बच्चों 4πr². तो बच्चों इसका विकल्प जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा ए नंबर 16 का विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा बच्चों, ए गोले का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ क्या होता है 4πr² हो जाता है। आगे देखते हैं बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं, तो बच्चों माध्य माध्यिका बहुलक हम लोग निकालते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं पूरी सर, इसमें हम जो मानक विचलन है स्टैंडर्ड डेविएशन है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में शामिल नहीं होता है, इसको क्या होता है बच्चों पढ़ेंगे क्लास 11th में। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछा गया बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन देखें, समांतर माध्य बच्चों क्या होता है एक्स बार बराबर क्या होता है σx/n यानी कि समेशन, जो भी आपके डेटा दिए गए हैं उनका समेशन करना होता है बच्चों, तो ध्यान दीजिए 1 से 9 तक, तो 1+2+3+4 करते करते बच्चों हम लोग पहुंच जाएंगे कहां तक 9 तक, तो टर्म्स कितने हो गए बच्चों यहां पर 9 कितने हो गए 9 टर्म हो गए, देखिए जोड़ देते हैं 9, 8, 17, 7, 24, 36, 5, 35, 4, 29, 3, 22, 44, 45 कितना हो जाएगा बच्चों 45/9 कट कर देंगे कितना आ जाएगा बच्चों 5, जिन्होंने 5 किया उनका विकल्प सही है, और इसका विकल्प सही हो जाएगा बच्चों ए, कौन सा विकल्प नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर ए इसका 5 आ जाएगा। आगे बच्चों लिखा है किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 है, माध्य 15 तो बहुलक, तो बच्चों इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है,
बहुलक बराबर, हाँ जी क्या होता है देखिए, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य, क्या होता है 3 × माध्यिका, फिर देख लीजिए बहुलक बराबर क्या है 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य। तो बच्चों देखिए यहाँ पर माध्यिका कितना दिया गया, 16 दिया गया, तो 3 × कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और माध्य कितना दिया गया बच्चों आपको 15 दिया गया है, कितना हो जाएगा देखिए 48 माइनस का 30 कर देंगे तो 18, जिन बच्चों ने 18 टिक किया है उनका विकल्प सही है, और उसका विकल्प नंबर कौन सही है देखिए बी नंबर सही है बच्चों, कौन सही है इसका बी नंबर विकल्प आपका सही है। आगे देखिए बच्चों इस पर क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका निकालनी है, तो बच्चों ध्यान दीजिए समझने की प्रयास करिए, अगर मैं कहता हूँ 10 तक की तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो बच्चों ये माध्यिका निकालनी है, तो एन कितना नंबर आफ्टर एन कितना बच्चों 10, 10 का मतलब बच्चों ये सम हो गया, कैसा हो गया सम हो गया, तो माध्यिका में सम के लिए बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है यहाँ समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, देख दीजिए माध्यिका में बच्चों सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए आप समझने का प्रयास करिए, इस जगह पर क्या हो जाएगा देखिए माध्यिका के लिए माध्यिका एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बाई टू टर्म्स वहाँ पद प्लस एन बटे दो प्लस वन वहाँ पद और पूरे के बच्चे बटों में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा बच्चों, तो देखिए एन कितना है 10, 10 बटे 2 यानी कितना पाँचवा पद क्या हो जाएगा बच्चों पाँचवा पद और प्लस 5 प्लस 1 यानी कि छठवां पद और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो पाँचवा पद बच्चों क्या 1, 2, 3, 4, 5 कितना है ये 5 हो गया और प्लस क्या बच्चों ये कितना हो गया 6 हो गया और बटे छठवा पद क्या दी 11, तो 11 / 2 करने पर बच्चों कितना आएगा 5.5 आ जाएगा 5.5 कितना आ जाएगा 5.5, इसका विकल्प नंबर डी सही होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर डी सही होगा। तो बच्चों ये आपके 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक सारे एमसीक्यूज थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, आप आगे देखते हैं।